समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उन्हें लगने लगा कि अब वे शीघ्र ही मर जाएंगी। उन्हें आम बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने राजा से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की कि वे ब्राह्मणों को आम दान करना चाहती हैं। उनका मानना था कि इस दान से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश वे अपनी अंतिम इच्छा पूरी किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गईं। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माँ की अधूरी इच्छा के बारे में बताया। ब्राह्मणों ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद कहा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज, अंतिम इच्छा पूरी न होने की दशा में उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहेगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि इस समस्या का क्या समाधान है। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, महाराज, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। राजा ने ऐसा ही किया और पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सोने के आम दान में दिए। जब तेनाली राम को ये बात पता चली तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण राजा की सरलता का फायदा उठा रहे हैं। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन तेनाली राम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा और लिखा कि वह भी अपनी मां की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है। उसकी मां की भी एक अधूरी इच्छा थी और तेनाली राम चाहता था कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनाली राम से भी अच्छा दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। निश्चित दिन पर सभी ब्राह्मण तेनाली राम के घर पहुँचे। उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन के बाद वे दान की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनाली राम लोहे की सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। जब ब्राह्मणों ने इसका कारण पूछा तो तेनाली राम ने बताया, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसे कि उनकी अंतिम इच्छा थी। ये सुनकर ब्राह्मण घबरा गए। वे तुरंत वहाँ से जाना चाहते थे और गुस्से में बोले, क्या हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? तेनाली राम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाशय, यदि सोने के आम दान में देने से महाराज की माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मेरी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी हो सकती? ये सुनते ही ब्राह्मण समझ गए कि तेनाली राम क्या कहना चाहता है। वे बोले, तेनाली राम, हमें क्षमा करो, हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस हमें जाने दो। तेनाली राम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, लेकिन एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने तेनाली राम को बुलाया। राजा बोले, तेनाली राम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए? तेनाली राम ने उत्तर दिया, महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते? राजा तेनाली राम की बातों का अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा।